जैसे कि माहौल दिखाने की बात की थी, यहाँ देख सकते हैं आसपास सभी सभी लोग यहाँ पे डांस कर रहे हैं। सर कोविड के बाद इतनी ज्यादा भीड़, क्या कहेंगे, कहना चाहेंगे सर लोगों को? लेकिन स्वाभाविक रूप से लोगों में उत्साह है। अंदर जाके ऐसा लगा कोई पानी की लहर सी आई, सुनामी की तरह मुझे बहा के ले जा रही थी। हमीरपुर से आए हैं। हमीरपुर से आए हैं, क्या बात है, बहुत देखिए मेला देख रहे हैं जी। रिफ्रेश मैट्रेस India's number one customer satisfaction brand with 99.5% satisfied customers. नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका इस विशेष रिपोर्ट में। और आज पहला प्रोसेशन है, पहली जलेब है मंडी शिवरात्रि की। और दो साल कोविड के बाद अब लोग निकल गए हैं। मैं आपको भीड़ दिखाना चाहूँगा। आप यहाँ देखिए, मैं चाहूँगा कि कैमरा पर्सन एक बार दिखाए, यहाँ पे एक बार कैमरा पूरा अपना पैन करे, कितनी ज़बरदस्त भीड़ है आज लोगों की। और मेरे पीछे अगर मैं आपको बात करूं तो यहाँ पे देखिए घोड़े, ये घोड़े ही प्रशासन की तरफ से स्टार्टिंग करते हैं जलेब की। पीछे जो है पुलिस का परेड के जो जवान है वो पीछे आप देख सकते हैं लाइन में लग चुके हैं। और उसके पहले, क्योंकि देवी देवताओं का मेला था, उसके पीछे देवी देवता आएंगे, तो हम थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लें, नहीं तो घोड़े हमारे ऊपर चढ़ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं दर्शकों यहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ है और लोग यहाँ पे इतने ज़्यादा एक्साइटमेंट में है। मैं आपको बताऊँ, इस कार्यक्रम के स्पॉन्सर समय का एक बार धन्यवाद करना चाहेंगे हम। बिना स्पॉन्सर के कार्यक्रम नहीं हो सकते। मैं पहले दिखाऊंगा, यहाँ देख सकते हैं आप कितनी खूबसूरत नाटी यहाँ पे चली हुई है। और मैं आपको बताना चाहूँगा दर्शकों कि हमारे जो मेन स्पॉन्सर हैं इस कार्यक्रम के, वो हैं रिफ्रेश मैट्रेसेस, इंडिया के नंबर वन लीडिंग रिफ्रेश ब्रांड है, मतलब कि लीडिंग मैट्रेस ब्रांड है। और काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन रेट है इनका कस्टमर्स के मामले की अगर मैं बात करूँ। और दूसरे हमारे जो को स्पॉन्सर हैं वो है रतन सिंह सराफ एंड सन्स, और इनकी जो दूसरी शॉप है स्वर्ण लोक मोती बाजार में, बहुत ही अच्छी गोल्ड की, डायमंड की और सिल्वर की ज्वेलरी यहाँ पर मिलती है। तो दर्शकों बने रहिए, मैं आपको बताऊँ, हम पूरा माहौल दिखाएंगे आपको कि एक्चुअल में अगर 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 चलना हो, अगर जलेब के बीच में चलना हो तो कैसी फीलिंग आती है, वो फीलिंग मैं आपको आज दिखाना चाहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, और फेसबुक पर अगर आप देख रहे हैं तो हमारा चैनल जो है उसे लाइक करना ना भूलें। शिवरात्रि में हर साल अगर मैं आपको बताऊं, जो शिवरात्रि का जो ये पर्व है, फेस्टिवल है मंडी शिवरात्रि, ये देव कल्चर के लिए जाना जाता है। और मैं आपको बताऊं सबसे पहले देव छांचिलू और देव छमाहू, ये इसकी शुरुआत करते हैं। आप देख सकते हैं सीनियर लीडर हिमाचल के महेश्वर सिंह, वो भी यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त तरीके से नाच रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, बधाई हो आपको शिवरात्रि की। आपको भी बधाई हो सर, आपके कुल्लू का दशहरा और मंडी की शिवरात्रि, ये बहुत ही बड़े फेस्टिवल हैं हिमाचल के। क्या कहना चाहेंगे लोगों को, कितना हमारे कल्चर के लिए कितना जरूरी है ये हमारे लिए ना, देव संस्कृति को संजोए रखना आवश्यक है। इन पहाड़ों में हमारे देवता देवी देवता आराध्य हैं, वो हमारे लिए भाई माँ बाप भी है, वक्त आने पर वो डॉक्टर भी है और पुरोहित भी है, इसलिए ऐसी संस्कृति और जगह नहीं है। बिल्कुल, और सर का कहना है कि हम इस संस्कृति को संजोए रखने की जरूरत है। तो मैं दिखाना चाहूँगा किस तरीके से, देखिए सभी एकदम लोग एक्साइटमेंट में यहाँ पे नाच रहे। और मैंने आपको यही कहा था कि मैं आपको पूरा माहौल दिखाऊंगा कि अगर आप जलेब में चल रहे हो तो कैसी फीलिंग आती है। और देखिए हमारे साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं चाइल्ड एंड वुमेन वेलफेयर डिपार्टमेंट वाले हैं, अंजू मैम भी खड़े हैं यहाँ पे। मैम, हाँ, डीपीओ डिपार्टमेंट से। मैम कैसा लग रहा है अभी?
जिले में, पर सबसे पहले नंबर पे आप ही हैं प्रशासन में। कैसी फीलिंग है आप पहले नंबर पे आज प्रशासन की तरफ से? बहुत अच्छा लग रहा है और लेडीज फर्स्ट ही होनी चाहिए। मैम आप बताएं थोड़ा। बहुत अच्छा लग रहा है प्रशासन की तरफ से, हम पहली बार खड़े हैं तो अच्छा लग रहा है। दर्शकों मैं आपको एक माहौल दिखा दूं एक बार, और माहौल की अगर मैं बात करूं लोग कितने ज़्यादा, मैं आपको बताना चाहूँगा। छत के ऊपर देखिए आप ज़रा, वहाँ पे सभी लोग अपने हाथों में अपने मोबाइल कैमराज लेके खड़े हैं। इस तरफ की अगर मैं बात करूँ वहाँ देखिए, वहाँ भी लोग निकले हुए हैं। वहाँ की मैं बात करूँ सभी जगह से, मतलब दूर दूर तक अगर जितनी मेरे को यहाँ बिल्डिंग्स दिख रही हैं, लोग अपने अपने मोबाइल्स में इस घड़ी को कैद करना चाहते हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ मैं आपको बताऊँ पूरी लाइन लगी है लोगों की। देखिए सभी लोग अपने कैमराज निकाल के, और ये देखिए मैम अपना, ये तो DSLR निकाल के बैठी है। मैम कहाँ से आएँ? मंडी से ही। मंडी से ही है, तो आप तो बड़ा प्रोफेशनली कर रही हैं कवर। प्रोफेशनली नहीं, मैं अपने शौक के लिए कर रही हूँ। शौक है तो देखिए, तो आप देख सकते हैं शौकिया तौर पे भी रिकॉर्डिंग चल रही है यहाँ पे। और ये बच्चे सारे अपने अपने क्या क्या करोगे इस वीडियो का ये बताओ? स्ट्रीक भेजेंगे। किसको भेजेंगे? फ्रेंड्स को। ये घोड़े से थोड़ा बच के रहना, ये बड़ा खतरनाक है। हाइट बहुत ज़्यादा है इसकी, मैं भी साइड हो जाता हूँ, नहीं तो दूसरों को ज्ञान देने के चक्कर में खुद ही कहीं। और गाना लगा हुआ है इना बढ़िया जो तुड़का लाई देना ठेकेदारणी है। तो इस वक्त देख सकते हैं आप, हमारे कुछ मित्र भी यहाँ पे मिल गए हैं हमको, जायका वाले। और ये देख सकते हैं यहाँ श्वेता मैम है, बताऊँ कांगड़ा से, ये मैम जो है हमीरपुर से है। कैसा लगता है आपको यहाँ की जली, कितनी बार देखी आपने? मैंने 3 बार देख लिया और बहुत अच्छा लगता है, बहुत एक्साइटेड हूँ आज भी देख रही हूँ। कुल्लू का दशहरा देखा आपने? नहीं, कुल्लू का दशहरा देखा, वो भी वैसा ही, वो भी बहुत ही गजब का मतलब होता है। मैम कुछ कहेंगे आप तो मंडी से? मंडी की शिवरात्रि तो बहुत अच्छी है। जलेबी कहेंगे जो दर्शक देख रहे हैं उनको, जो बाहर के दर्शक देख रहे हो आउट ऑफ स्टेट, उनके लिए हमारे कल्चर सारा दिखा रहे हैं कि इतना अच्छा कल्चर है, इतनी अच्छी जलेबी निकलती है। मेले में जाना है? हाँ जी, उसके बाद झूला झूलते हैं आप? झूला तो नहीं पर मेला देखने जाएंगे। आप झूलते हैं झूला? कौन सा वाला? राउंड वाला। राउंड वाला चक्कर मैडम श्वेत। डोला डोला। चलिए चलिए अब आपको थोड़े और विजुअल दिखाते हैं यहाँ का माहौल। माहौल दिखाने की बात की थी, यहाँ देख सकते हैं आसपास सभी लोग यहाँ पे डांस कर रहे हैं और मेरे को मेरे झटके लग रहे हैं। हाँ जी कहाँ से आए हैं? कितना टाइम लगा पैदल आते हैं? आप एक्साइटमेंट देख सकते हैं यहाँ पे, बहुत गजब का एक्साइटमेंट है। नाच रहे, गा रहे, प्रोसेशन में चल रहे। मैंने आपको यही कहा था कि चले चले प्रोसेशन में चलने की फीलिंग कैसी होती है वो मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको और बताऊं, आसपास लोग देखिए, लोग पूरा पूरा ये ऐतिहासिक शहरी चांदनी लोगों से भरा हुआ है, खचाखच भरा है। मैं चाहूंगा इस तरह में दिखाएं। थैंक यू। और हम सबको आशीर्वाद देते हुए हमारे देवी देवता धीरे धीरे। दर्शकों अंदर जाके ऐसा लगा कोई पानी की लहर सी आई, सुनामी की तरह मुझे बहा के ले जा रही थी, और यहाँ से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल था। इतना गजब का यहाँ माहौल रहता, मैं आपको बताऊँ। ऐसा ही मेरे साथ कुल्लू दशहरे में हो चुका है, जब प्रोसेशन चलना स्टार्ट हुआ तो मैं ऐसा फंसा था, हालांकि एक दो पुलिस वालों ने मेरे को वहाँ पे कवर अप कर लिया था, तो मैं थोड़ा सा गिरने से बच गया था वहाँ पे, लेकिन वैसा ही माहौल यहाँ पे होता है। तो ये अब इस वक्त अगर मैं आपको बताऊँ तो देव शेट्टी नाग हैं और वो उनका प्रोसेशन इस वक्त निकल रहा है। यहाँ एक बार मैं फिर दिखाना चाहूँगा कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। मैडम कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आप 2 साल बाद आए होंगे ना, क्योंकि कोविड के कारण तो दो साल बंद, कोविड के बाद एकदम से। हाँ जी हाँ जी। और कौन है यहाँ पे पूछने वाला? हाँ जी मैम कहाँ से आए आप? मैं यही मंडी से ही हूँ। मंडी से हैं? हाँ जी। तो कैसा लग रहा है अभी आप प्रोसेशन देखे 2 साल बाद इस तरीके से धूमधाम से मनाया? हमें बहुत अच्छा लग रहा है, वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर दिस ईयर फॉर आवर शिवरात्रि फेस्टिवल एंड इट्स अ ह्यूज क्राउड आफ्टर 2 इयर्स। मैम ये क्या पकड़ा आपने? लड्डू गोपाल जी हैं। लड्डू गोपाल जी। और
मैं आपको बताऊं दर्शकों, जो ये भी दर्शक हमीरपुर से आए हैं। हमीरपुर से आए, क्या बात है, बहुत देखिए मेला देख रहे हैं जी। कैसा लग रहा है हमीर? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप भी हमीरपुर से आए? नहीं, हम बहुत अच्छा, बहुत अच्छा देख सकते हैं आप बाहर के डिस्क। इनको हमीरपुर से आए, इनको साथ लेके आए, और ये इनको लड्डू गोपाल दर्शन करने हमने। और मैं आपको बताऊं, माधोराव की जलेब कहते हैं इसको, आपको मैं बताऊं तो। और जो माधोराव हैं वो श्री कृष्ण का ही रूप है, तो उनकी पालकी भी थोड़ी देर में आएगी, तो आप उसको देख सकते हैं ना। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं किस प्रकार से पूरा प्रोसेशन जो है शिवरात्रि का वो इस वक्त चला हुआ है शेरी चांदनी मंच से, ऐतिहासिक शेरी चांदनी मंच से। और मैं अगर आपको बताऊं तो यहाँ देख सकते हैं चौहार घाटी के देवता इस वक्त प्रोसेशन के बीच में, जलेब के बीच में पहुँच चुके हैं। और ये जो चौहार घाटी के ये पांच भाई बताए जाते हैं, हालांकि जलेब में अक्सर ये चार ही चलते हैं और ये साथ में होते हैं। इनकी सबसे बड़ी बात ये है कि इनका प्रोसेशन साथ है। और देख सकते हैं किस प्रकार फूलों की बारिश की जा रही है और लोगों के द्वारा। खुशी की बात है, खुशी का मौका है, हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय जनप्रिय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी इस जिले में स्वयं बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए हैं। दर्शकों, आप मैं आपको बताऊं, इसे माधोराव की जलेब भी कहा जाता है। जो पहला प्रोसेशन होता है मंडी में, माधोराव जी का अपना एक अलग महत्व है। ये देख सकते हैं पीछे माधोराव जी की पालकी, आप इस वक्त देख सकते हैं माधोराव जो हैं वो श्री कृष्ण के ही रूप माने जाते हैं। सर, कुछ ज़्यादा बताएंगे थोड़ा सा माधोराव जी के बारे में, सही है, और हमारे मंडी कल्चर से कैसे जुड़ा ये जो परम्परा है माधोराव से जुड़ी हुई है, ये राजाओं के टाइम से बनी हुई परम्परा है, जिसको आज तक जो है लगातार जो है इसको बनाए रखा है। अब पहले राजाओं के टाइम पे भी माधोराय की इसी प्रकार से निकलती थी, बहुत सूक्ष्म रूप से थी। अब जैसे जैसे प्रशासन के अधीन ये कार्य हुआ तो उसके बाद इसका विस्तृत रूप हो गया, और बहुत ही आनंद और बड़े इसका हर वर्ष जो है इसकी काफ़ी जो है प्रसार हो रहा है। और जितने देवी देवता आते हैं वो सबसे पहले माधोराव के मंदिर में ही हाजिरी लगाते हैं। हाँ, सभी देवता माधोराय और बाबा भूतनाथ दो जगह जो है हाजिरी लगाने के बाद ही पटल जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। और ये आप देख सकते हैं पीछे, ये माधोराव जी की पालकी इस वक्त किस प्रकार से उठा के चले हुए हैं। और यहाँ पे मैं आपको बता, इसमें छोटी सी मूर्ति आपको दिखेगी, तो वो मूर्ति है माधोराव जी की, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो पूरा शाही पालकी में इस वक्त एकदम पालकी के साथ में हम लोग इस वक्त हैं, और ये थी माधोराव जी की पालकी। तो इस वक्त देखिए पूरी विमेन, पूरा का पूरा महिला पावर हमारे साथ इस वक्त है। यहाँ पे दीपाली मैम है, मेयर हैं मंडी की। मैम एज अ मेयर आप पहली बार यहाँ पे इस प्रोसेशन में चल रहे हैं, तो कैसा फील कर रहे हैं? बहुत खुशी हो रही है, और मैं सबसे पहले शिवरात्रि महोत्सव की मैं प्रदेशवासियों को और मंडी वासियों को स्पेशली बधाई देती हूँ। बूढ़ा बिंगल के जो वजीर माने जाते हैं, जातिवीर है ना, ये वजीर माने जाते हैं उनके, श्री गणपति महाराज जी। अच्छा, और उस तरफ जातिवीर जी। हाँ, और ये गणपति महाराज। हाँ जी, तो ये इस तरफ गणपति महाराज और वो जातिवीर जो बूढ़ा बिंगल के वजीर माने जाते हैं, उनका आप प्रोसेशन अभी देख सकते हैं।
तो दर्शकों, पहली जलेब का पूरा जो प्रोसेशन है अब वो पहुंच चुका है जहां तक वो पहुंचना आता है, मतलब ये जो पीपल का पेड़ आप देख रहे हैं इस तरफ मेरे राइट में, यहां पे आके सभी देवी देवता इसके नीचे बैठ जाते हैं और आने वाले 7 दिनों तक जो भक्त हैं वो अपने अपने इष्ट देव के दर्शक देवी देवता के दर्शन कर सकते हैं। हम सामान्य वर्ग संयुक्त मंच है जिनको राजपूत सभा ने आदेश दिया था कि हमारी जिले में आओ और इस जलेब की शुभकामना। आप पहली बार कर रहे हैं क्या? हम जिले में पहली बार कर रहे हैं। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत उम्दा लग रहा है। चलिए, और आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा जोश है इस वक्त। सोलन से आई है मैम इसके लिए स्पेशल। और आप? उत्तराखंड से। आप दुबई से मैम? कैसा लग रहा है, पहली बार देख रहे हैं प्रोसेशन? पहली बार। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? अच्छा है, मैंने कभी इतना क्राउड नहीं देखा, मतलब शिवरात्रि पे मैंने कभी भी इतना क्राउड नहीं देखा। ये इस तरीके का फेस्टिवल आपको मालूम है ना, 7 दिन मेरे को दिखाने के लिए लाया स्पेशल। देखिए, आप देख सकते हैं बड़े दूर दूर से लोग यहाँ पे आए हैं। तो हमारे साथ देख सकते हैं मुख्यमंत्री साहब हैं खुद, और सर कोविड के बाद इतनी ज़्यादा भीड़, क्या कहेंगे, कहना चाहेंगे सर लोगों को? लेकिन स्वाभाविक रूप से लोगों में उत्साह है, कोविड कम हुआ है और ऐसे में लोग काफ़ी अरसे के पश्चात ऐसे सार्वजनिक कार्यक्रम में पहुंचे हैं, स्वाभाविक रूप से उत्साह है और शिवरात्रि का मेला ऐसे भी ऐतिहासिक है। तो सीएम साहब कह रहे थे कि कोविड के बाद जो एक तरीके से लोगों को क्योंकि एक मौका मिला है अब बाहर निकलने का, तो वो सभी की सभी इंजॉय कर रहे हैं। मुख्यमंत्री साहब थे हमारे साथ। तो दर्शकों, इस वक्त आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री साहब पहुँच चुके हैं मेला ग्राउंड में और अब यहाँ पे थोड़े से भाषण होंगे, उसके बाद औपचारिक रूप से शिवरात्रि महोत्सव की जो है वो शुरुआत मानी जाएगी। और मैं आपको बताऊँ पीछे के, अगर मैं दिखाना चाहूँ तो लोग आप देख सकते हैं कि अभी से बैठना शुरू हो गए हैं और नाइट जो कल्चरल इवेंट्स हैं वो यहीं पर होंगी और 7 दिन तक कल्चरल इवेंट्स चलेंगे। 6 कल्चरल इवेंट्स इसी स्टेज पर होंगे और जो 7वीं कल्चरल इवेंट है वो सेरी मंच पर होगी, सेरी मंच जहाँ पर पहले के ज़माने में शिवरात्रि के जो कल्चरल इवेंट्स हैं वो मनाए जाते थे। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस रिपोर्ट को देखने के लिए। उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए अगर आप हमारा पेज फेसबुक पे देख रहे हैं, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब पे हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम अपने स्पॉन्सर्स का एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहेंगे। रिफ्रेश मैट्रिसेस इंडिया के नंबर 1 लीडिंग ब्रांड है मैट्रिसेस में, और कंफर्ट के लेवल में बहुत ही ज़बरदस्त कंफर्ट रहता है इनका, और साथ ही साथ कस्टमर सेटिस्फेक्शन में भी ये टॉप पे आते हैं। और दूसरे रतन सिंह सराफ एंड सन्स और स्वर्ण लोक, जिनकी शॉप्स हैं गोल्ड की मोती बाजार में, बहुत ही अच्छी होंगी, गोल्ड सिल्वर डायमंड की ज्वेलरी मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया इस रिपोर्ट को देखने के लिए। हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को शिवरात्रि पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फेसबुक पर पोलस्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।